नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका नाम है आदिकाल का नामकरण। आदिकाल का नामकरण जो प्रश्न है, ये यूजीसी नेट की परीक्षाओं में, स्लेट की परीक्षाओं में व मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में सही विकल्प के तौर पर पूछा जाता है, और हिंदी एमए में भी ये पूछा जाता है। तो आदिकाल, आदिकाल हिंदी का प्रारंभिक काल है, अर्थात पहला काल है ये। हिंदी का कौन सा काल है? ये पहला काल है। तो अपने अपने युगों के लेखकों ने व कवियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इस आदिकाल का नामकरण किया है, ठीक है, अपने अपने इतिहास लेखन में। जब जब उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किया, तब तब उन्होंने अपने दृष्टिकोण से इसका नामकरण किया है। तो हम इसको ही देखेंगे आज। हम देखते हैं, सबसे पहले नाम दिया इसको वीर गाथा काल। आदिकाल का एक नाम क्या है? वीर गाथा काल। जो किसने दिया है इसको? हिंदी के गुरु ने, यानी कि हिंदी के जनक, हिंदी के इतिहास लेखन ने, जिसका नाम लेखक ने, जिसका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया? वीर गाथा काल। क्यों दिया? क्योंकि इसमें वीर रस की कविताएं लिखी जाती थी, और राजाओं को प्रसन्न करने के लिए इनके दरबार में चारण, राव, भाट समाज के कवि कार्य क्या करते थे? जो ये कविताएं सुनाया करते थे। तो इसीलिए इस काल को इन्होंने क्या कहा? वीर गाथा काल। दूसरा है हम आदिकाल। क्या है आदिकाल? आदि मतलब क्या होता है? सबसे पुराना, सबसे पहला। तो आदिकाल किसने नाम दिया? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल किसने नाम दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर है तीसरा चारण काल। चारण क्यों? क्योंकि राज दरबारों में चारण समाज के कवि नियुक्त थे, जिन्होंने रासो ग्रंथ लिखे। कौन से ग्रंथ लिखे? रासो ग्रंथ लिखे। तो इसको चारण काल कहना भी उचित है। तो किसने नाम दिया? ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। फिर है बीज बपन काल, यानी कि जब हम सबसे पहला बीज बोते हैं, सबसे पहला बीज बोते हैं उसे क्या बोलते हैं? बीज वपन। तो स्वाभाविक है आदिकाल हिंदी का प्रथम काल है, तो इसे बीज वपन भी कहा जा सकता है। तो बीज वपन काल किसने नाम दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। फिर है सिद्ध सामंत युग। इस काल में जो कवि होते थे, वो राजा महाराजा जमींदारों के यहां पर क्या करते थे? रहा करते थे, आश्रय में रहते थे, और उनकी प्रशंसा के लिए वो क्या करते थे? वीर रस की कविताएं सुनाया करते थे। तो इसे सिद्ध सामंत युग भी कहा जा सकता है। इसका नामकरण किसने किया है? राहुल संकतायन, जो घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता भी हैं। फिर है आरंभिक काल। जब ये प्रारंभिक काल है तो ये आरंभिक काल है, तो आरंभिक काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने। फिर है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल नाम किसने दिया आदिकाल को? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने दिया है। आदिकाल हिंदी का प्रथम काल है। इसी में हिंदी का प्रथम महाकाव्य लिखा गया, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता है चंद्रवर दाई, और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य लिखा गया, जिसमें 69 खंड हैं। कितने खंड हैं? 69 अध्याय हैं। मतलब क्या है? अलंकार हैं, अध्याय हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। धन्यवाद।